बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं N24 न्यूज़ एसटी के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, खबर शामिल करेंगे कंबर से। कंबर में बदअमनी के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कंबर वगन में JUI के रहनुमाओं की जानिब से बदअमनी के ख़िलाफ़ शदीद धूप में 3 मेन अंडर हाई पास पर एहतजाजी मुजाहरा। कौमी शाहराह बंद, ट्रैफिक मअतल, 3 घंटे एहतजाज जारी। इस मौके पर मुजाहरीन ने अब्दुल हकीम, उस्मान दिलदार और दीगर ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 5 माह से ज़िला कंबर में बदअमनी का सिलाब बरपा हो गया। अफसोस के पुलिस गायब है। गुज़िश्ता रोज़ हमारा नौजवान बैंक से कैश निकाल कर अपने गाँव जा रहा था कि डाकू ने हथियारों के जोर पर 1 लाख छीन कर फरार हो गए। पसरूर में शहबाज सीमा का निजी कॉलेज में शानदार इस्तकबाल। पसरूर DSP मोहम्मद शहबाज सीमा का GM कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडी दुबई में शानदार इस्तकबाल। GM कॉलेज और सरहद यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल ने पाकिस्तान से आए मेहमान DSP मोहम्मद शहबाज सीमा का GM कॉलेज की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया और डिनर का एहतमाम किया, जिस पर DSP मोहम्मद शहबाज सीमा ने दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल की तालीमी खिदमात को सराहा और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस शानदार मौके पर मेहमान खसूसी थे जिन्होंने GM कॉलेज का विजिट किया और तलबा और तलबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। शेखुपुरा में आग लगने का वाकया पेश आया। जोगियनवाला मोड़ बारदाना बनाने वाले कारखाने में आतशजदगी मशीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। काल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटिंग टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। फायर फाइटर ने फायर करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। ननकाना साहब में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। थाना मांगटावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगर्म डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से वारदातों में छीनी 2 मोटरसाइकिल, 5 लाख रुपए नकदी और असला बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना आमिर उर्फ भालू बाबर और शहबाज शामिल हैं। डकैत गैंग से डकैती, राजधानी और चोरी समेत 20 वारदातों का सुराग। जी तफ्तीश जारी। DPO सैद अजीज की SHO मुजाहिद मिली और हमराही टीम को शाबाश। ननकाना साहब में नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गया। ननकाना साहब 2 रोज कबल एनी शाहदीन के मुताबिक मानावाला रोड चंद्रकोट नहर में 22 साल नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गए। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू गोताखोरों ने फौरी वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम तर निगरानी खुद डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने की और 2 रोज कबल नहर में नहाते हुए डूबने वाले नौजवान की डेड बॉडी मिल गई। 22 साल नौजवान चंद्रकोट नहर में नहाते हुए डूब गया था। नौशहरा में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस अफसर मोहम्मद अजहर खान की नेशनल एक्शन प्लान के तहत समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में फजल सुबहान खान SDPO सर्कल की सरबराही में मोहम्मद अली खान और इसकी टीम ने थाना मिश्री बांडा के इलाके में टारगेट ऑपरेशन स्ट्राइक ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी पिस्टल। संगीन मुकदमात में मतलूब 2 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार, जबकि 15 मुश्तबा गान को हिरासत में लेकर पूछ के लिए थाना मुंतकिल कर दिया। घोटकी में कत्ल का वाकया पेश आया। घोटकी फायरिंग से एक शख्स कत्ल। घोटकी आंदल सुंदरानी थाने की हदूद में मुसल्ला अफराद का सावन बरादरी के घरों पर हमला, एक शख्स कत्ल। घोटकी फायरिंग में कत्ल होने वाले की शनाख्त बरहाम सावन के नाम से हुई। घोटकी 2 तरफा फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। मजीद पुलिस की नफरी तलब की जा रही है। फायरिंग की वजह से ताहाल जा भाग होने वाले की नाश को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अम के साथ।